हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी फोर ऑफ वैंड्स एंड सेकंड पाइल है एस ऑफ पेंटिकल्स। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन शाम 7 से 11 बजे के बीच में होता है। मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हो और उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर आते हैं, तो उसमें भी आप वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ मेंबरशिप के लिए ज्वाइंट के ऊपर क्लिक करना है और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो मेंबरशिप में भी ज्वाइंट होकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। लाइव सेशन में सुपर स्टिकर, सुपर चैट के जरिए मुझे सपोर्ट कर सकते हो, इतना ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है फोर ऑफ वैंड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। नॉट फॉर यू पॉपअप हुआ है, चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके दुश्मन। डीप नोइंग, ओके। क्लीन एट ऑफ, कम्युनिटी एंड ट्रेजर आइलैंड, ओके। तो ये बात है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इमेजिन। यहाँ से देखते हैं, पाइल वन जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड फोर ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ आपके दुश्मन की जो सोच है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइन सुन लीजिए कि यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, परमानेंट एनर्जी आई है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट है। यस, डेफिनेटली। एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ ओनली 70% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50% है। वो यहाँ अभी यही सोच रहे हैं कि उनको आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालनी है, जिससे वो आपकी चीज़ों को, आपके जीवन की जो भी परिस्थिति है उसको ज़्यादा ख़राब कर सके। ज़्यादा ख़राब करने की वजह से आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और हार जाएंगी। तो अभी हाल फिलहाल उनकी जो सोच हो रही है वो यही है कि वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूसरों से पूछ कर निकाल रहे हैं और ख़ुद भी तपास कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से चेकआउट कर रहे हैं कि आपके बारे में उनको कौन कौन सी जानकारी बहुत ही तुरंत और बहुत ही जल्दी मिल सकती है, और आपकी सारी ही जानकारी निकाल कर उसके बाद किस परिस्थिति में आप ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो या किस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा आपके जीवन में नाजुक है, उसको सोचते हुए वो अपना एक फैसला लेंगे
और एक्शन के रूप में वो आपके जीवन में जो परिस्थिति नाजुक है उसमें एक्शन लेकर आपको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ अभी उनकी जो सोच चल रही है वो हाल फिलहाल समाज में यानी सोसाइटी में आपका नाम बिल्कुल ना रहे, आप पूरी तरीके से हारे हुए इंसान सोसाइटी में नज़र आओ और सोसाइटी के लोग कई हद तक आपके बारे में बहुत अच्छा और बढ़िया ना सोचे, ये उनकी सोच है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी जो मैंने देखी है यहाँ, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और छोटी छोटी बातों के ऊपर आपका फोकस है, इस वजह से आपकी कई हद तक बातें लोगों तक नहीं पहुंचती है और लोग नहीं जान पाते हैं। इस वजह से लोगों से आपके दुश्मन कई हद तक जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके दुश्मनों को वो बात नहीं ही पता चलेगी, इतना जान लो। यहाँ आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की वजह से आपकी सारी ही डिटेल्स या आपकी सारी ही जानकारी आपके दुश्मनों को मिलना बहुत ही मुश्किल है, कई हद तक नामुमकिन ही है, क्योंकि आप अपने ही बातों को लेकर अपनी फैमिली के साथ भी इतना ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हो। आप अपनी बातें, अपनी चीज़ें या अपने जो भी जीवन के पोर्टफोलियो है या जीवन को लेकर स्ट्रेटजी है या मैनेजमेंट है, उसको लेकर अपने तक ही आपकी सारी बातें रहती है, किसी और को आप कहीं हद तक पता ही नहीं चलने देते हो। इस वजह से आपके दुश्मनों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी भी नहीं मिल रही है, इस वजह से वो थोड़ा जल्लाहट महसूस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा अपने आप में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी ही नहीं, तो फिर हम उसके बारे में कैसे जान पाएंगे और कैसे उनके जीवन में पूरी तरीके से एक्शन ले पाएंगे या उनके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर पाएंगे। तो यहाँ जो ये जो एनर्जी है स्टक की एनर्जी, वो यहाँ यही नज़र आती है आपके दुश्मनों की, कि उनको अभी तक कहीं हद तक कोई भी जवाब एक पूरी जानकारी से नहीं मिला है, आधी अधूरी जानकारी मिली है, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में एक्शन ले या ना ले, आपके दुश्मन में कुछ ख़राब करने की कोशिश करे या ना करे, इसको लेकर ही अभी सोच चल रही है उनकी, और सोच सोच तक ही सीमित रहने वाली है, क्योंकि यहाँ क्लीन इट अप है। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि वो रुक जाएंगे, स्टक महसूस करेंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ही कॉन्शियस पर्सन हो इस वजह से, और ऐसे ही आपको रहना है जिससे आपकी सारी डिटेल्स किसी को भी पता ज़्यादा ना चले। बहुत सारी अपनी बातें बहुत सारे लोगों को शेयर नहीं ही करनी है, और आप ऐसा कर ही नहीं रहे हो, इस वजह से आपके दुश्मनों की सोच सोच तक सीमित रहती हुई यहाँ नज़र आ रही है। अब यहाँ ये जो लास्ट कार्ड आया है ट्रेजर आइलैंड, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी पूरी जानकारी उनको नहीं मिलेगी तो कहीं हद तक वो इमोशनल वाइज जिनके साथ आपका जुड़ाव है, लगाव है, अटैचमेंट है, आपके खुद के रिश्ते हैं, आपके फैमिली मेम्बर है, आपके अपने लोग हैं, उनके साथ वो आप किसके साथ अच्छा कनेक्शन महसूस करते हो वो पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालेंगे, और फिर इमोशनल चीज़ों के प्रति पूरी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यस, यहाँ वो इमोशनल चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और आप किन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो उनके साथ आपके पूरी तरीके से रिश्ते ख़राब हो जाए, इस तरीके की कोशिश वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आप ही जीतते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके किन के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि आप सभी के साथ बहुत ही नेचुरल हो, क्योंकि हाई प्रेस्टेज है और हाई प्रेस्टेज लेडी हर तरीके से सभी के साथ नेचुरल रहती है। कोई एक पर्सन उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए सभी पर्सन इक्वल है, तो ऐसे आप हो। इस वजह से ये एनर्जी में आप रियली में हो, इस वजह से आपके दुश्मन इमोशनल चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं ही निकाल पाएंगे। इस वजह से यहाँ लास्ट कड़ा है फोर ऑफ वैंड, आपके दुश्मन आपके बारे में यही सोचेंगे कि इसके जीवन में तो बहुत सारी खुशियाँ है, एन्जॉयमेंट है,
ये सब कुछ हम कैसे नष्ट कर पाएंगे या कैसे उसके जीवन में दुख ला पाएंगे? हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम इसके जीवन में आखिर डिस्टर्ब करें तो करें कैसे। और यहाँ भी फोर ऑफ फ्रेंड्स है, आपने फोर ऑफ फ्रेंड ही चूज़ किया है, तो यहाँ डबल बार फोर ऑफ फ्रेंड की एनर्जी आई है। इसका मतलब यही होता है कि आपके दुश्मन अभी हाल फिलहाल तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। वो हर तरीके से आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेंट्स है तो हर तरीके की कोशिश लगातार उनकी बनी रहेगी, लेकिन उसमें उनको यहाँ सफलता मिलती हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और आप ही सक्सेस, आपको ही सक्सेस मिलेगी, आप ही जीत जाओगे। यहाँ चाहे आपके दुश्मन कितने भी आपको लेकर बुरी सोच रखते हो या आप कितना भी बुरा आपको लेकर सोचते हो, लेकिन यहाँ आप ही जीतोगे, क्योंकि आप यहाँ कॉन्शियस हो, अवेयरनेस में हो, सतर्क हो, चौकन्ने हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने लोगों के प्रति ध्यान देते हो, अपनी हर परिस्थिति के आपको सभानता से ख्याल है। इस वजह से आपके जीवन में आपके दुश्मन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। अब इंटर ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे वो आपका बुरा कर पाएंगे, आप ही सोचो। वही है, तो इस तरीके से ही अपनी पर्सनालिटी को मजबूत और कॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, जिससे आपके दुश्मन आपके जीवन में आसानी से दखलंदाजी ना कर सके। इस वजह से यहाँ फाइव पेंटिकल और इमेज इनकी एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा, उनको जानकारी ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा कल्पना की दुनिया में सोचेंगे कि आप इस तरीके से ऐसा करने वाले हो, इस तरीके से यहाँ जाने वाले हो, लेकिन उनको सभी तरीके से आंसर ना मिल पाने की वजह से वो कहीं हद तक दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। ये जो आपके दुश्मन है वो कहीं हद तक अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही नेगेटिव है, अपनी ही चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस वजह से वो आपके जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है एस ऑफ पेंटिकल्स, इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल टू, उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बाय द बुक पॉपअप हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी, तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझको सिर्फ मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन मेरी सेकंड चरण फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, मेंबरशिप में भी ज्वाइंट होते हुए मुझे सपोर्ट कर सकते हो। 59 रुपीज़ से ही है, तो आप आसानी से 1 मंथ के लिए 59 रुपीज़ की मेंबरशिप ले सकते हो, जिसके चलते आपको लाइव सेशन में फ्री में आंसर आसानी से क्विकली मिलेगा। चलिए देखते हैं। पाइल टू, को क्रिएट, कम्युनिटी, फॉक इन द रोड, नेवर एंडिंग स्टोरी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लॉयल हार्ट। अब यहाँ से देखते हैं। पाइल टू, टेन ऑफ कप, द हर्मिट, पेज ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड रीबर्थ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है वो 70% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट आई है,
एरिस लियो सजिटेरियस यहाँ नॉर्मली 50% है और यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 70% है। जो यहाँ परमानेंट एनर्जी आई है कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, उसी के मुताबिक ये रीडिंग रहेगी। इसके लिए यहाँ आपके दुश्मनों की सोच अभी जो है तो वो यही सोच रहे हैं कि आपके जीवन में इमोशनल वाइज प्रॉब्लम कैसे क्रिएट की जाए, कैसे ये हो सकता है। यहाँ मैंने कैसे बोला है क्योंकि आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है को क्रिएट, तो वो अभी यही सोचने वाले हैं कि इमोशनल वाइज कौन सी प्रॉब्लम आप में क्रिएट की जाए, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी बड़ी डाल दी जाए जिसके चलते आप उससे बाहर ही ना निकल पाओ। ये उनकी सोच है जिसके चलते वो आपके जीवन की इमोशनल चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा परख करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिससे उनको आपकी इमोशनल वाइज सारी परिस्थितियों के बारे में पता चले, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में इंटरफेयर करे, दखलंदाजी करे और पूरी तरीके से आपके जीवन में सब कुछ ख़राब कर दे। ये उनकी एक सोच है। तो यहाँ सोच सोच तक ही सीमित है कि वो एक्शन भी लेंगे। इसके लिए यहाँ मैं यही कहूँगी कि अभी तो वो सोच ही रहे हैं कि इमोशनल वाइज कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें वो दखल अंदाजी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई जवाब मिलता हुआ तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी उनकी ये जो एक तीक्ष्ण सोच है वो ये है कि कैसे भी करके आपके जीवन में रोड़े डालने हैं, कैसे भी करके आपके जीवन में नेगेटिविटी लानी है, कैसे भी करके आपके जीवन में हर तरीके से बुरे परिणाम लाने हैं जिसे आप सोच में पड़ जाओ और आपको कहीं तो कोई जवाब ना मिले। आप इधर उधर भटको फिर भी आपको कोई जवाब ना मिले, ये उनकी सोच है। बहुत ही गंदी और बहुत ही कमज़ोर सोच जो उनकी अभी है, लेकिन यहाँ वो उसमें भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि यहाँ वो जितना दूसरों के प्रति बुरा सोचते हैं, दूसरों के लिए बुरा मानते हैं, दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं, उससे ही उनके जीवन में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी खड़ी हो जाती है और वो एक बार नहीं बार बार हो रही है और बार बार होने की वजह से वो कहीं हद तक हड़बड़ाहट महसूस कर रहे हैं, हड़बड़ा गए हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम दूसरों के जीवन में बुरा करने के बारे में सोचते हैं और दूसरों के जीवन में बुरा करते हैं, उनकी लाइफ ख़राब करने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में वो दिक्कत क्यों आती है, हमारे जीवन में वो डिफ़िकल्टी हमें क्यों दिखती है, ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। तो यहाँ यही है कि आपके दुश्मन जैसे ही आपको लेकर कुछ नेगेटिव पहलू आपके जीवन में डालते हैं या दखलअंदाजी करते हैं, वैसे ही उनको तुरंत कर्म मिलता है। ऐसे आपके दुश्मन है, इतना जान लो। तो इस वजह से वो सोच में पड़ जाते हैं कि आप ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ खराब कर रहे होंगे, तो वो आपके बारे में सोच में पड़ जाते हैं कि आप ही हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तभी तो हमारे जीवन में भी जैसे ही हम आपको कुछ दुख परेशानियाँ देते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में तुरंत कैसे आ जाती है, कहीं ना कहीं आप भी पीठ पीछे हमारे जीवन में वार कर रहे हो तभी ऐसा हो रहा है। तो वो आपका आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप हमारे जीवन में कुछ ना कुछ खराब कर रहे हो, ऐसा वो आपको लेकर मान रहे हैं। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि उनको तुरंत कर्मा मिल जाता है, वो डेफिनेटली यहाँ हर एक कार्ड कहता है, क्योंकि यहाँ जो हर्मिट की पोजिशन आई है वो ये दिखाती है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो आपके दुश्मन को लेकर। आपको सिर्फ यहाँ ये जो 10 की एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि आप सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर चिंतित हो, थोड़े डरे हुए हो, एक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, कॉन्शियस ध्यान से अपने ख्याल रखते हुए, केयर करते हुए अच्छे तरीके से धीरे धीरे स्लो मोशन में आगे बढ़े हो। आपको स्पीडली आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि आपको अपनी फैमिली की फिक्र है, चिंता है, चिंतित हो। इस वजह से आप यहाँ अपने तरीके से ही अपनी ही चीज़ों में मशगूल हो, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनके जीवन में दखलंदाजी कर रहे हो। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप तो अपने जीवन में अपने ही बातों में, अपनी ही चीज़ों में, अपनी ही सिचुएशनों को लेकर सोच रहे हो, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो आपके दुश्मनों को लेकर। सिर्फ यहाँ आप अपनी चीज़ों को लेकर कॉन्शियस ज़रूर हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, ख्याल रख रहे हो,
जिसकी वजह से आपके जीवन में कई हद तक परिस्थितियां खराब ना हो, इसका ख्याल रख रहे हो। और ये जो ख्याल है वो दिल से आपका है, इस वजह से भगवान आपकी आहट को, आपकी प्रेयर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और भगवान का सपोर्ट आपके ऊपर है, भगवान का साथ आपके साथ है। इस वजह से जैसे ही आपके दुश्मन आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो तुरंत आपके दुश्मनों को उसका कर्म मिल जाता है। तो यहाँ होपफुल हुआ पर्सन, बहुत ही होप है, बहुत उम्मीद है, इस वजह से आपके जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आती है वो साइड हो जाती है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए, कि आपके जीवन में आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा रोड़े डालने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैस एक्शन लेकर ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी डालने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे आपके तक पहुँचती है तो वो बहुत ही रेयर हो जाती है। आपको पता है आपके तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत ही परेशानी थोड़ी ही हो जाती है, यानी कम हो जाती है, और आपको जो प्रॉब्लम या परेशानी मिल रही है वो बहुत ही कम मिल रही है, और सारी ही उनकी कर्मा की वजह से उनको ही सारी भुगतनी पड़ती है। तो वो जो भी प्रहार करते हैं आपके जीवन में, जो भी डिफ़िकल्टी खड़ी करते हैं, वो सारी ही उनको ही मिलती है और आप तक थोड़ा ही पहुंचता है। और ये इसके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, और थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स हमेशा कहना चाहिए अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को। ये ज़रूर है, क्योंकि आपके तक हर सारी प्रॉब्लम परेशानियाँ बहुत ही कम पहुँच रही है, और ये भगवान का ही आशीर्वाद है, गॉड की ही ब्लेसिंग्स है, तभी ऐसा हो रहा है। तो आपके जीवन में ये जो तुरंत फटाक से जो चेंज आ रहे हैं वह ये मामूली बात नहीं है, इतना जान लो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ आपके दुश्मनों की सोच हर तरीके से आपके जीवन को ख़राब करने की है, बर्बाद करने की है, तहस नहस करने की है, बार बार डिफ़िकल्टी खड़ी करने की है, पैसों के मामलों में, लोग आपकी सोसाइटी में आपकी बहुत ही अलग पर्सनालिटी आपके दुश्मन रखने की कोशिश करते हैं, कि ये तो ऐसे है वैसे है, बहुत ही बुरे हैं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये तो बहुत गुस्सा करते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, मतलब बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और आपके दुश्मनों के बारे में आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो चाहे आपके बारे में कितनी भी बातें आपके दुश्मन फैलाने की कोशिश करते हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, आपकी पहचान खराब करने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में हर तरीके की मुश्किलें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरीके से वो नाकाम ही रहते हैं, इतना याद रखो। ये जो नेवर एंडिंग स्टोरी, टेन ऑफ कप, रीबर्थ एंड को क्रिएट, ये एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से ये कहती है कि आपके दुश्मन चाहे आपको लेकर कैसी भी सोच रखे, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही नेचुरल हो, जेन्युइन हो, आपने कभी भी दूसरों के प्रति हमेशा हमदर्दी जताई है, अपनापन दिखाया है, और लोगों के लेकर आपके दिल में हमेशा प्यार ही रहा है, इस वजह से आपने कभी भी किसी का बुरा कभी सोचा भी नहीं है और किया भी नहीं है, इस वजह से भगवान आपके साथ खड़े हैं, और भगवान सभी के साथ 24 आवर्स है, लेकिन जो जैसा करता है उनको ऐसा भुगतना भी पड़ता है। तो वही है कि आपके दुश्मन आपको लेकर जितना भी बुरा सोचे, वो जितना भी बुरा करे, वो आपको बाल भी नहीं बाका कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, इतना तो है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल और लॉयल हार्ट आपकी एनर्जी है, आप अपने आप में जेन्युइन हो, आपको अपने जीवन के प्रति बहुत ही ज़्यादा आशा और उम्मीद है, मेहनत से बहुत कुछ पाना है, कोशिश करनी है, लेकिन किसी का कुछ छीनना नहीं है, ये जो दिल से ईमानदारी है और लॉयल्टी है, इस वजह से आपके जीवन में आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं ख़राब कर सकते हैं, इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है, एस ऑफ पेंटिकल,
जैसे ही आपके दुश्मन आपके जीवन में कुछ भी बुरी चीज़ें एंटर करने की कोशिश करेंगे, वैसा ही फल उनको तुरंत ही कर्म मिलेगा, और वो भी बहुत ही क्विकली, तुरंत, जिसकी वजह से वो सोच में पड़ जाने वाले हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम उसके जीवन में प्रॉब्लम डाल रहे हैं तो वो सारी ही प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्यों दिखाई दे रही है, ऐसा वो ज़रूर सोचेंगी। एक दिन उनको बहुत अच्छी तरीके से उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि गॉड अच्छी तरीके से उनको याद दिलाएंगे सबक देकर। तो हमेशा आपके जीवन में ये जो पॉजिटिविटी है, होप की, उम्मीद की, आशा की, नई किरण की, नई चीज़ों के आगमन की, वो हर तरीके से आपके जीवन में बेहतरीन पॉजिटिविटी बनी रहेगी लाइफ टाइम, क्योंकि आप पॉजिटिव पर्सन हो इस वजह से। यह रीडिंग टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।